किसानों के साथ आज पीएम मोदी का सीधा संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना, सिर्फ से एक राज्य के किसान तक नहीं पहुंच रहा है सम्मान निधि का पैसा। यहाँ के 70 लाख से अधिक किसान इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल के 70 लाख किसानों का पैसा रुका हुआ है, लेकिन ममता और उनकी पार्टी पंजाब जाकर कर रही है आंदोलन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। पीएम मोदी ने कहा, एमएसपी को लेकर फैलाया जा रहा है असंख्य झूठ, कृषि सुधारों से बड़ी सरकार की जिम्मेदारी, भाषण में विपक्ष पर साधा निशाना, कुछ राजनीतिक दल इवेंट मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान किसान कल्याण कार्यक्रमों पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री, किसान से जुड़ी कल्याण योजनाओं पर फिल्म, किसानों ने पीएम किसान ने खुलकर रखी अपनी समस्याएं, सम्मान निधि से होने वाले फायदे से खुश दिखे किसान। कृषि मंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल के 74 लाख किसानों को भी मिल सकता है फायदा, राज्य सरकार से अपील, इस योजना से जल्द जुड़े। यूपी के सीएम योगी ने कहा, राज्य में 3000 जगहों पर मनाया जा रहा है किसान सम्मान दिवस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से किसानों ने दिल्ली की तरफ किया रूख, कूच, रोकने पर जबरदस्त हंगामा, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर यूपी की सीमा में घुसाए किसान, पुलिस ने कहा प्रदर्शनकारी किसानों की वीडियोग्राफी, दर्ज होगा केस। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती, समाधि स्थल पर सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने जाकर दी श्रद्धांजलि, वाजपेयी के योगदान को किया स्मरण। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 23,000 से ज्यादा नए मामले, 1,46,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 336 लोगों की मौत, अब तक 1,47,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान।